रविवार को इंदौर के शुभकारज गार्डन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सीए और नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बता दिया। चौहान ये भी बोले कि कमलनाथ चाहकर भी इस बिल को लागू होने से रोक नहीं पाते। ये भारत आज का नहीं, हजारों वर्षों से दुनिया में अगर कोई प्रताड़ित हुआ है तो उसको शरण देने वाला देश रहा है। ये भारत है जिसने पार की भाई बहनों को शरण दी। ये भारत है जब तिब्बत में कहर ढाया चीन ने, दलाई लामा भारत आए और नड्डा जी के प्रदेश में हिमाचल के धर्मशाला में उन्होंने अपनी अंतरिम सरकार बनाई। ये तिब्बत के आए भाई बहनों को शरण देने वाला देश है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों जो पाकिस्तान से आए हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। ये धरती तुम्हारी, ये शहर तुम्हारा, ये माटी तुम्हारी, ये हवा तुम्हारी, ये पेड़ तुम्हारे, ये जंगल तुम्हारी और हम भी तुम्हारे मिलकर एक में हो जाओ। अब कोई दूरी का सवाल ही नहीं। ये स्वागत नरेंद्र मोदी जी ने किए और जो विरोध कर रहे हैं मुसीबत लोग, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। भ्रम फैलाया जा रहा है केवल वोटों के चक्कर में लड़ाने की कोशिश हो रही है। किसके खिलाफ है ये? क्या है इस बिल में, क्या है इस कानून में? केवल इतनी तो है कि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ना प्राप्त करके हमारे भाई और बहन आए, अब वो भारत को आजादी के बाद सर्वधर्म संभाव धर्म निरपेक्ष देश हो गया। हमने अपने देश का कोई धर्म घोषित नहीं किया, या हिंदू रहे मुसलमान रहे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी धरती पर एक बार में अनेकों बार सर्वोच्च पद पर हमारे ऐसे भाई बहन पहुंचे भी है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। क्या हालत है पाकिस्तान की, कोई भाषण देकर बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रदर्शनी लगी है, एक बार कमलनाथ इस प्रदर्शनी को देख जाओ। कैसे काटे गए, कैसे मारे गए, कैसे लूटे गए, कैसे बेइज्जत किए गए। और इसलिए ये किसी के खिलाफ नहीं है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ भी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला के माहौल खराब करना चाहते हैं। वो सुन ले, देश कानून का समर्थन कर रहा है, देश समर्थन कर रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं उनके साथ, जो समर्थन नहीं करते उनके बिना, और जो विरोध करेंगे उनके बावजूद ये कानून तो लागू होगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं अपने भाई और बहनों को बधाई देना चाहता हूं। रहिए इस धरती पर, काम धंधा व्यापार कीजिए, कौन शरण देगा? पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना प्राप्त कर रहे लोगों को, बांग्लादेश में अभी यहाँ प्रेजेंटेशन में बताया, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। हम सब माननीय नड्डा जी को सुनना चाहते हैं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये बिल यदि पहले आया होता तो कई बेटियों का बलात्कार नहीं होता। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, रात में जो ये कानून पास किया है, न जाने कितनी बहनों की दुआ भारतीय जनता पार्टी को मिली। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये कानून पहले पास हो गया होता तो बहुत सारी बहनें बच जाती, बहुत सारे हमारे भाई बच जाते। पर दुर्भाग्य जब हमने कानून पास किया तो वो सब लोग जो गैर जिम्मेदार थे, जिन्होंने इनके दर्द को नहीं समझा, वो कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम भाइयों को कह रहे हैं कि आपकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हम सच भी उतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे हैं जितने हमारे विरोधी लोग झूठ कॉन्फिडेंस से परोस रहे हैं लोगों के बीच में। मैं मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष देश को जलाना चाहता है, आप सहयोग करिए। एक एक शब्द बता दीजिए जो इस कानून के अंतर्गत किसी को भी क्षति पहुंचाता है, किसी को भी नुकसान पहुंचाता हो, किसी की भी सदस्यता को खतरा पैदा करता हो। पर जिस तरीके से ममता जी सहित सारे लोग
इस कानून के माध्यम से देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं कि अभी वो लोग कर रहे हैं जिनका प्रतिशत इस देश के अंदर 10-20% है। जिस दिन 80% लोगों ने तय कर लिया कि ये सही है और अब हम सड़क पर उतरेंगे, तो कांग्रेस के नेताओं समझ लो तुम्हारा क्या होगा, अब जा इसके बारे में विचार करो। और निकलेंगे सर, सब निकलेंगे, सारा देश निकलेगा, निकलना चालू हो गया। मैं देख रहा हूं दिल्ली में बिना बुलाए लाखों की संख्या में लोग आ गए। बीकानेर से मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजा, बिना बुलाए बिना निमंत्रण दिए पूरा बीकानेर तिरंगा झंडा लेके इस कानून के पक्ष में खड़ा हो गया। इंदौर को भी खड़ा होना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को भी खड़ा होना पड़ेगा, सारे देश को खड़ा होना पड़ेगा। ये लोग जो समाज के अंदर गलत चीज परोस कर देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, इन सबको इनकी हैसियत बताना पड़ेगी। और इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आज आपने नड्डा जी का ऐतिहासिक स्वागत किया। ये स्वागत इस बात के लिए था कि सारा इंदौर शहर सीए के समर्थन में है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में है। यदि समर्थन में है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार तालियां बजाकर नड्डा जी से कहें कि सारा इंदौर मोदी जी के साथ है, सारा इंदौर अमित शाह जी के साथ है, सारा मध्य प्रदेश नड्डा जी के साथ है। मैं आपकी और नड्डा जी के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, पर मैं तो एक ऐसे प्रदेश में हूँ जहाँ के कुछ हिस्सों में मैं जाता हूँ तो ऐसा लगता कि मैं पाकिस्तान में हूँ। नड्डा जी 38,000 गाँव हैं, 8,000 पश्चिमी बंगाल में ऐसे गाँव हैं जहाँ एक भी हिंदू नहीं है, 8,000। वहाँ अगर आप चले जाएं तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान ही है। हमारे देश के अंदर एक नया पाकिस्तान बनाने की साजिश विपक्ष रच रहा है। क्या इस साजिश को कामयाब होने देना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इसलिए सबको कमर कसना है, सारे इंदौर, सारे मध्य प्रदेश, सारे देश को कमर कसना है कि जो लोग इस देश को अराजकता फैला रहे हैं उनको उनकी हैसियत आने वाले कल में बताना है। मैं इतनी ही बात कहकर सीधे शंकर जी आपका समय चुरा रहा हूँ, माफ करना, मैं सीधे आप लोगों से कहूँगा। मैं शंकर जी ने बताया कि राजनीति में मेल आया, ये वास्तव में जब ये बीटेक कर आए और सिंधी समाज में पढ़ाई लिखाई आजकल होने लगी, पर आज से 25-30 साल पहले लोग पढ़ने बाहर नहीं जाते थे, धंधा करने जरूर बाहर जाते थे पर पढ़ने बाहर नहीं जाते थे। शंकर जी बाहर से पढ़ कर आए, मैंने कहा तुम राजनीति में आओ, अरे मेरे जैसा आदमी क्या राजनीति करेगा। इनके परम पूज्य पिताजी के पास गया कि इसको मेरे को दे दो, मैं इसको राजनीति में काम कराना चाहता हूँ। सिंधी समाज में इतना पढ़ा लिखा लड़का मिलता कहाँ है, इंजीनियर था, अरे बोले इसको तो भाई धंधा करने दो, ठेकेदारी करेगा, उसके ठेकेदारी करके क्या करेगा, देश का निर्माण करना है, ठेकेदारी करके बाथरूम बनाएगा, लेटरिन बनाएगा, मकान बनाएगा, बंगले बना देगा, पर इसको देश बनाने के लिए छोड़ दो आप। शंकर जी आज देश बनाने के लिए आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो शंकर जी मैं इस बहुत ही संवेदनशील बहुत मार्मिक कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, पर उन लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ जिनका दर्द मैंने बहुत देखा, या शायद वो लोग बोल नहीं पाए, यहाँ पर शायद बोल नहीं पाए। तो मैं एक बार फिर से शंकर जी आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, आप सबको कह रहा हूँ कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर शंकर जी की तरफ से आप तालियां बजाकर नड्डा जी को आमंत्रित करें। जब तक नड्डा जी मेरी जगह आए, जब तक आप तालियां बजाते रहे, बोलिए भारत। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागरिकता कानून बिल लोगों को समझाया, बोले कि कांग्रेस विरोध करवा रही है। जवाहरलाल नेहरू बोल रहे किसी एक विषय पर जो बाहर नागरिक उनको वहां पर प्रताड़ना हुई है उनको यहां पर स्थान देना चाहिए। 2003 में मनमोहन सिंह ने बोला, मैंने संसद के अंदर उनका वक्तव्य उनके सामने पढ़ करके सुना दिया कि 18 दिसंबर को आपने कहा कि जो बेचारे पाकिस्तान से आए हैं उनको यहां पर नागरिकता का अधिकार देना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। ये उन्होंने उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी को 2003-04 में कहा, 18 दिसंबर। लेकिन आज इतनी हाई कब
और जिसको जिसको आप कह सकते हैं कि अमानवीय तांडव नृत्य नहीं देखा गया होगा, जो उस समय हुआ उस समय देखा गया 1947 में। यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लार्जेस्ट पॉपुलेशन का, कभी ऐसा नहीं हुआ था दुनिया में, कभी नहीं हुआ, उसके पहले नहीं हुआ, उसके बाद नहीं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़ कर, सब कुछ छोड़ कर, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने आप का अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ करके इस देश में आना पसंद किया, यह हमको ध्यान रखना। और उस समय नेहरू ने और लियाकत अली खान ने कहा था कि माइनॉरिटी की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी। हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारत में हमने माइनॉरिटीज की रक्षा की है, हमने माइनॉरिटीज की रक्षा की। 1950 में देश वी द पीपल ऑफ इंडिया डू सॉल्वली रिजॉल्व दैट इंडिया विल बी रिपब्लिक सेकुलर स्टेट, हमने इसको धर्म निरपेक्ष देश माना। उसी समय पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, दोनों में क्या हुआ, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू रिजॉल्व दैट वी विल बी एन इस्लामिक स्टेट, उन्होंने इस्लाम स्टेट कबूल किया, उन्होंने देश का धर्म को इस्लाम कबूल कर दिया। और हमने कहा कि हम धर्म निरपेक्ष देश होंगे, सब धर्मों का बराबर का आदर होगा और सबको हम लोगों ने ध्यान रखा। 1947 से लेकर के अगर हम आज देखें तो मुस्लिम की पॉपुलेशन 11% से बढ़कर के 14.5% हो गई। हमारे यहां फले फूले आगे बढ़े, सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान में 28% से घट करके 3%। कोई जवाब देगा, कोई कांग्रेस का नेता जवाब देगा कि क्या कारण रहा कि पाकिस्तान में हमारी 28% से हमारी संख्या घट करके 3% हो गई, बांग्लादेश में 22% से घट करके 7% हो गई। और लंबे समय से यह बात चल रही थी कि माइनॉरिटीज को संरक्षण दो, माइनॉरिटीज को संरक्षण दो। और इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि जो कोई भी पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो कोई हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कोई भी होगा, उन सब के लिए भारत में रहने का पूरा अधिकार है, हम नागरिकता देंगे, इस बात को हमने कहा। कांग्रेस पार्टी क्या कहने लगी, इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 40। ऐसे ऐसे संविधान के एक्सपर्ट आए, हमारे अमित शाह जी ने जानते हैं क्या कहा कपिल सिब्बल को और चिदंबरम को, तुम दोनों सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, ऐसा आर्गुमेंट मत दो नहीं तो तुम्हारी प्रैक्टिस घट जाएगी। कि जिस नेता को यह नहीं मालूम कि आर्टिकल 14 क्या है और आर्टिकल 14 कैसे कम होगी तो तुम्हारी प्रैक्टिस घट जाएगी, ऐसे तर्क मत।